कह रही हूँ ना आपको, जब मैं 1000% बोल रही हूँ तो आप सोच के देखो कि मैं इतने सारे लोगों के सामने कोई चीज 1000% बोल रही हूँ तो मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज में, क्योंकि मेरी 8 साल की मेहनत, 8 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है ये। कितने हजारों लोगों पे मैं देख चुकी हूँ तब जाके आपको बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही जिनकी भी लाइफ में सडन इवेंट्स होते हैं, सडन झटके से नेगेटिव इवेंट्स, कुछ भी बुरी खबर आ गई, सडन डेथ हो गई, सडन एक्सीडेंट हो गया, तो DD, MMT, ये सडन नेगेटिव इवेंट्स को अट्रैक्ट करता है। DD, MMT, MM, कभी भी इन अल्फाबेट्स को नाम में रिपीट नहीं करना चाहिए। विक्रम जी कह रहे हैं डबल के ओके है। अरे अभी तो इतना सारा लेक्चर दिया डबल के पे मैंने। डबल के कैंसर अट्रैक्ट करता है, सडन डेथ अट्रैक्ट करता है। डबल के यस डबल आर बहुत खतरनाक है, कभी भी मत करना डबल के डबल आर। मेरी मम्मी को अभी 1 month हुआ, वो डेथ हो गई। उनके MEE मीनाक्षी नाम है। सडनली 6 महीने में पता चला कैंसर है और डेथ हो गई। अभी 1 month हुआ उनका। सो सैड टू नो दिस, बट अगेन मैं यही बता रही हूँ कि अपने नाम को हल्के में मत लीजिए, अपने नाम के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप मुझसे सीखो, किसी और से सीखो दुनिया में, बट सीख के ही नेम को करेक्ट करो। जरा चंद पैसे बचाने के चक्कर में अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना, जैसे बहुत लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, 500 1000 रुपए लेके कंसल्टेंसी देते हैं, यूट्यूब की 2 4 वीडियो देख ली और नेम करेक्शन स्टार्ट कर दिया दूसरों का। नाम बार बार नहीं बदला जाता, नाम एक ही बार ही करेक्ट किया जाता है। बदला मतलब करेक्शन, कोई मजाक नहीं है। तो कहीं से भी करो, पूरा इसको ढंग से सीखो, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करो। करेक्ट करने के बाद कैसे इम्प्लीमेंट करना है कि ताकि आपको रिजल्ट्स मिले, वो पूरी प्रॉपर चीजें होती हैं। तो किसी भी प्रोफेशनल से सीख के अपने नाम पे काम करना, ऐसे रैंडम यूट्यूब वीडियो देख के, गूगल देख के अपने नाम के साथ मत खेलना आप लोग। सरनेम में इतना मैटर नहीं करता, फर्स्ट नेम में बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। अब एक चीज बताती हूँ, जिन भी लोगों के पैसे बहुत ज्यादा फंसते हैं, तो अगर आपके नाम में एस अल्फाबेट 2 से ज्यादा बार आ रहा है, एस पूरे नाम में, फर्स्ट नाम में और फुल नेम में, पूरे में देखो, जैसे यहां पे मुझे किसी का दिखेगा तो मैं बताती हूँ, 2 से ज्यादा बार आ रहा हो, जगदीश प्रसाद सोनी जी, जगदीश प्रसाद सोनी, जगदीश में भी ऐसा आ गया, प्रसाद में भी ऐसा आ गया और सोनी में भी ऐसा आ गया। जिन भी लोगों के नाम पूरे नाम में मोर देन 2 टाइम्स एस आता है, ये जिसको भी पैसा देंगे वो वापस लौट के देगा ही नहीं इनको, मनी ब्लॉक, मनी स्टक कर आता है। कितने लोग रिलेट कर रहे हैं इससे, जगदीश जी से पूछते हैं पहले तो। नमस्ते मैम। जी सर नमस्ते, सही बात है मैम, एकदम बिल्कुल सही बात है, सही है मैम। पैसा फंसता है पर। बहुत पैसा फंसा के बैठा हूँ, 1 crore नियर अबाउट। 1 crore, अब आपको यस मैंने मैम, एक ट्रिक बता दी, आधे दे देना मुझे जब आ जाए तो। तो पक्का मैम। आप क्या करो, अपने नाम में से एक एस हटा दो। अभी कैसे हटाना है वो ऐसे भी नहीं हटिएगा कि कहीं से दीवार पे से कोई कील निकाल दी, ऐसा तो होता नहीं है। वो सही सही प्रॉपरली बात, काम को होगा, आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे, आपके नाम नहीं आपके पैसे फंसा रखे हैं। चलो ठीक है मैम, आपसे डिस्कस करूंगा। शोभा रानी जोशी, हाँ बताओ। मैम मेरे फादर इन लॉ का नाम है सुभाष कंसल। तो मतलब जब से मेरी शादी हुई है ना मैम, मैं एक चीज जरूर बोलती हूँ कि आप लोग पैसे देते हो वापस क्यों नहीं आते। तो मैंने ना मैम आपका ये यूट्यूब पे है ना फ्री वाला एक वीडियो, वो एक दो वीडियो वो मैंने देखा था, तो वहां से मुझे ये पता लगा। और ना मैंने आपके मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी आपने ये बताया था एक बार ना, SSS जहाँ हाँ भी हाँ आता है बताया तो था। आता है। तो मैम उस दिन मैं 10 15 साल, 14 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, मैं 13 साल से ये बोल रही हूँ आप लोगों के पैसे वापस क्यों नहीं आते। अब समझ में आया, पापा जिसको भी पैसे देते हैं उनके मतलब मनी स्टक ही है उनकी, क्या उनके नाम कभी था, पैसे वापस सुभाष, सुभाष आगे, नहीं। बंसल, बंसल, सुभाष बंसल, तो सुभाष में 2 बार आ गया, बंसल में 1 बार, 3 बार हो गया। हाँ जी।